Seychelles Island or Sri Lanka. Mauritius. Really? You're from Mauritius? वर्णन हुआ है तो हम आगे चल करके वहाँ सुनेंगे महाराज जी, अभी कहेंगे महाराज जी वहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए उनकी आज्ञा है कि हम लोग यहाँ केवल प्रणाम करते हुए चले, तो आप लोग वहाँ चले जो कि महाराज जी के साथ में हम लोग बैठ करके उन कथाओं का श्रवण करेंगे। यहाँ पर इस तरह से भ्रमर गीत का प्रसंग, उत्तर संदेश, ये समस्त कथाएं हुई है जो बड़े मार्मिक कथा है। हरे कृष्णा, द कॉजलेस मार्सी ऑफ गुरु एंड वैष्णवस, मैरी असेंबल्ड, इट इज कॉल्ड उद्धव क्यारी और कदम्ब क्यारी। सो व्हेन कृष्णा वेंट फ्रॉम ब्रज टू मथुरा, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ कृष्णा, ऑल ब्रज गोपीज केम टू दिस वेरी प्लेस एंड दे आर लेमेंटिंग फॉर कृष्णा। And when Uddhav came to send by Krishna to Braj, then Uddhav came here and meet with gopis. What is dialogue between what is the news of Uddhav Kyari? Srila Maharaj will explain it in Lalita Kunda. So Srila Maharaj ordered us to proceed for Lalita Kunda immediate. Srila Maharaj will explain everything going there. So we are not explaining anything here. It is a place of Bhramar Git. So Uddhav came and tried to console Nanda Baba, but he could not do so. He became failure. After that, with the influence of Jagmaya, he came here. And what he saw, the glory of gopis, then the lamentation and separation mood of gopis for Krishna, we shall discuss all these things going in the bank of Lalita Kunda. Hare Krishna. बैठे हुए थे तो वहाँ पर नारद ऋषि पहुँचे। जब पहुँचे, लेकिन आप लोग जानते हैं नारद जहाँ जाते हैं जरूर कुछ ना कुछ झगड़ा लगा देते हैं, लेकिन नारद तो परम भक्त है, वे झगड़ा क्यों लगाएंगे? कहते नहीं, कहते वे ऐसे कुछ लीला करते हैं, ऐसे कुछ कारण दिखाते हैं जिसको द्वारा राधा कृष्ण का जो लीला वो विस्तार हो जाता है। इसलिए नारद राधा कृष्ण बैठे हुए थे, जब वहाँ पर नारद गए तब कृष्ण कहा, देखो श्रीमती जी, ये नारद जहाँ जाते हैं जरूर कुछ ना कुछ झगड़ा लगाते हैं, सावधान रहना। तो एक समय नारद ऋषि जब यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा श्री ललिता जी वो माला बना रही है, माला बनाते बनाते वो इतने माला बनाने में उसको आविष्ट आ जाती है, माला बनाते बनाते बड़ी हो जाता है, फिर माला को दो बार तोड़ करके फिर बनाते हैं, फिर बनाते बनाते फिर छोटी हो जाती, फिर दो बार बनाते हैं। नारद ऋषि यहाँ पर आए, कहा ललिता जी तुम क्या कर रहे हो? कहते श्याम सुंदर के लिए मैं माला बना रही हूँ। कहते ये सब तोड़ रहे हैं क्यों और बना रहे हैं क्यों? कहते बड़ी हो जाती फिर तोड़ देता हूँ, फिर देखता हूँ कभी छोटा हो जाता है। कहते ऐसे इतना करने का क्या जरूरत है, ये तो पास में, तो यहाँ पर नंदगांव है, कृष्ण तो यहाँ पर है, कृष्ण को बुला कर ले आओ ना, फिर कृष्ण का साई जी का देख करके फिर माला बना लो। तो कहते कहाँ, तब फिर जाकर के ये नारद जाकर के कृष्ण को बोल देते, कहते ललिता आपके लिए तो कुंज सजा करके आपके लिए वो माला बना रही है। तब कृष्ण बोलने पर, ये नारद बोलने पर कृष्ण यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप लोग झूला दर्शन किया, कैसे वहाँ पर ललिता कृष्ण झूला में झूले थे और ललिता कृष्ण जब कुंज में विलास कर रहे हैं, इतने में नारद बरसाना में पहुँचे, जा करके हुए वहाँ पर ललिता कृष्ण गाना शुरू कर दिया। लेकिन नारद हर समय क्या भजन बोलते हैं? नारद ऋषि बाजाए वीणा राधिका रमण नाम, हर समय नारद राधिका रमण नाम में ये वीणा बजाते हैं, लेकिन आज हुए उल्टा गा रहे हैं ललिता कृष्ण ललिता कृष्ण। राधा श्रीमती जी पूछी, कहते क्यों नारद जी आज आप उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? अब तो रोज नारद ऋषि बाजाए वीणा राधिका रमण नाम है, लेकिन आज तो आप ललिता कृष्ण बोल रहे हो। कहते मैं क्या करूँ, जब जैसे देखता हूँ वैसे करता हूँ। कहते आपने क्या कब देखा? कहते अभी अभी मैंने देखा कृष्णा को साथ में ललिता विलास कर रहे हैं कुंज में,
तो मैं जैसे देखा वैसे बोल रहा हूँ, कहते कहाँ पर, कहते यहीं पर, कहते चलो हम देखता हूँ। तब नारद जी श्रीमती को यहाँ पर लाते हैं कि जाओ वहाँ पर देखो। इतने में जब श्रीमती जी यहाँ आते हैं, देखते हैं ललिता कृष्णा यहाँ पर विहार कर रहे हैं। इतने में तो कृष्णा देख करके डर गए और ललिता देख करके भी डर गई। कहते ये श्रीमती जी को कैसे पता चला और हम यहाँ पर लीला कर रहे हैं। तब इतने में फिर पता चला ये नारद बाबा ने ही ये सारे घटना घटाए, नारद ने ही सब झगड़ा लगाए। इसलिए यहाँ पर ये ललिता कुंड व ललिता कुंज है। इसलिए हम लोग गुरु वैष्णव का अनुगत्य में ये ललिता सखी को चरण में आए हैं। ये ललिता कुंड नहीं मानो, ललिता ही द्रवीभूत होकर के यहाँ पानी बनी हुई है। ललिता कुंज उनको लीला नित्य है, अध्यात्म से लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बार बाई। अभी भी कृष्ण को साथ में ललिता, राधा जी को साथ में ललिता यहाँ पर दीप लीला कर रहे हैं, अभी भी विद्यमान है। हम लोग उनको चरण में, श्री ललिता जी को चरण में प्रार्थना करते हैं। कल महाराज, परसु शुभानंद प्रभु श्री महाराज जी ललिता संबंध में कितने तत्व विवेचन कर रहे थे। कहते अगर ब्रज में किसी व्यक्ति के हृदय में थोड़ी सी अगर इच्छा हो, मैं राधा जी की सेवा प्राप्त करूंगी। थोड़ी सी अगर इच्छा हो, ललिता वो इच्छा जानने का साथ साथ कहते सत्य घटने ना, उसी समय ही उसको श्रीमती राधा जी को चरण को सेवा में ये ललिता उनको नियुक्त कर देती है। इसलिए जब तक ललिता सखी का कोई अनुगत नहीं करते हैं, तब तक कोई सेवा का अधिकार किसको प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग वो ललिता के पास में आए, गुरु वैष्णव का अनुगत में उनको चरण में प्रार्थना करेंगे। वे हम लोगों का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर में कृपा करे, तभी हम लोग गुरु वैष्णव का अनुगत में उनको चरण की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। वंशा कलभूत रूप में सकृपा सिंधु भाई बचो पतिता नंग पावने वैष्णव को नमो नम। ओम ज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ गुरु एंड गौरांगा, द प्लेस वेयर वी हैव कम इज कॉल्ड ललिता कुंड और ललिता कुंज। वंस राधा एंड कृष्णा were here together when Narad came by. It is well known that wherever Narad Muni goes, he causes some or the other disturbance. But actually, Narad Muni is a great devotee. Then why should he be doing things like these, causing disturbances? So, Rasaran Prabhu is saying that actually, this is because he wants to enhance the pastimes of Radha and Krishna, and that is the reason he does these kind of disturbances. So Krishna cautioned Radharani that please be careful of Narad. So Radharani said what he can do, but Krishna said you have to wait and see, but I am warning you that you should be careful. Once Narad came again here and he saw that Lalita was making a garland, and she was so absorbed in thinking of Krishna that sometimes the garland will become bigger and sometimes it will get shorter. So every time she'll make a garland, she'll again remove the flowers, again make the garland. And she was doing this for a long time. So Naraji asked, why are you doing like this? So the Nandgaon is close by. Why don't you ask Krishna to come and take the proper size and make the garland? So Lalita said, why don't you go and call him? So Narad went to Nandgaon and told Krishna that Lalita is trying to make a garland for you, and if you come and give your size, then it will be easier for her to make the garland. So Krishna came here, and then along with Lalita, he did Vihar, and they swang in the swing here, and in this kunj. So in the meantime, while they were having the pastimes here, Naraji went to Barsana, and he entered Barsana singing Lalita Krishna, Lalita Krishna, Lalita Krishna. Normally he sings Narad Muni Bajai Bina, Radhika Raman Name. He is normally singing Radhika Raman, but today he was singing Lalita Krishna. So when Srimati ji heard this, he asked, why are you singing Lalita Krishna? So he said that I sing whatever I see. So I just saw
Lalita with Krishna, so that's why I'm singing their names. So hearing this, Srimati ji became very angry, and she asked him to take her where Lalita and Krishna were, and Narada ji brought her to this place. And when both Lalita and Krishna saw Sri ji, all of a sudden they became so frightened that how Srimati ji came to know about this. And ultimately they came to know that this was all caused by Narad Muni. Rasanand Prabhu is saying that this kund which we see here, this is not just ordinary water, this is a liquefied form of Lalita Devi. These eternal pastimes are still being performed here, and if someone develops a little desire also to serve Lalita ji, Srimati Radhika immediately arranges for that devotee. Lalita arranges so that they can serve the divine couple, and these are the glories of Lalita. Without getting her mercy, we cannot serve the divine couple. So we should all pray here to Lalita Devi. Gaur Premanande Hari. Yeah.
डिजिटल कमाना, डिजिटल डिजिटल कंप्यूटराइज and daughters.
But middle one, Nanda Baba has no son at all, no children, nothing. So Parjanya Baba was worried for this, and there he has a kunda near Pavan Sarovar. He began to aradhana of Narayan. He was doing so much astronomies and aradhana of Narayan that after some time Ariel came from his sky. Voice came from his sky. Oh, Nand Baba, you should not be worried. You have a grandson, very beautiful, very powerful, and having all the qualities that I have Narayan Vaishya. So don't be worried. And Parjanya Baba ko hua jaise tumko aisa par ye hoga grandson. So isliye bade prasanna hue. In the meantime, isi beech mein yahan par keshi daitya adi ka utpat aarambh hua. और गायों का चरने का घास जो था वो भी कम हो गया. नंद बाबा वहीं पर लाखों गायों के साथ में रहेंगे जहां पर घासें हैं, पानी पीने की व्यवस्था है, कोई उत्पात नहीं है वहां. किंतु केशी दैत्य के आक्रमण से, उत्पात से, वो घोड़ा बनकर हिन हिन आता, गायों को मार डालता और गोपों का आक्रमण करता. इस तरह से उत्पात करने और यहाँ की घासें गायें चरते चरते आसपास की मिलों की सब समाप्त हो गई. इसलिए उपानंद जी नंद बाबा सब बैठक में बैठ करके ये विचार किया कि अब यहाँ रहना उचित नहीं, यहाँ पर उत्पात हो रहा है दैत्यों का. After the boon from sky falls, Parjanya बाबा साहब that there was a Keshi demon in the shape of horse, and he began to do here and there so many mischievous things. And also the grasses, oh, in miles and miles, all were finished. Gaya chal rahi hai na? So there were no grasses, very little grass. And there were so many problems of these demons. So they decided that we should go anywhere else where the forest is full of grasses and sweet water, and that no problem of serpents and these demons. At last they decided to go to Gokul Mahavan, and very big area, so much grass. Jamuna is there, so plenty of sweet water, and so plenty of all the things. So they decided. उन्होंने ऐसा निश्चित करके और यहाँ से वो लोग गोकुल महावन में गए, जहाँ पर नंद बाबा ने अपना डेरा डाला. उसका नाम हो गया डेरावली. वह नंद बाबा में देखा है हिंदी और संस्कृत वर्ड इज डेरा कैंप. सो द नेम ऑफ दिस कैंप वेर ही डिड इट वॉज कॉल्ड लाइक डेरावली. वी हैव सीन इट इन डीड एंड हियर एंड देयर सो मेनी प्लेसेस. इसके बाद में परजेंद्र बाबा वहां पर पहुंचे और साथ साथ में उनके मित्र विश्वाल महाराज जी भी, वो भी अपने मित्र के साथ में, अपने परिवार को साथ में, गायों को साथ में लेकर घूमने चले. और हिज फ्रेंड विश्वास महाराज ऑल्सो डिसाइडेड दैट आई शुड गो विथ माई फ्रेंड एंड सी ऑल्सो हिज एसोसिएट्स वाइफ एंड चिल्ड्रन. ओनली वन बॉय वॉज दैट और श्री राम, नो डॉटर, नथिंग. सो ही ऑल्सो फॉलोड हिम एंड ही वेंट टू राल नियर गो एंड देयर वेंट दे reached there. After some time, oh, Krishna took place, birth he took.
गोकुल महावन में कृष्ण का जन्म हुआ और उसके 15 दिन के बाद में रावण में राधा जी का वहां पर जन्म हुआ। इसलिए व्हेन देयर इज देयर देन द बर्थ कृष्ण टुक बर्थ देयर इन गोकुल महावन एंड इन रावण श्रीमती राधिका। सो दिस इज नॉट बर्थ प्लेस ऑफ कृष्ण हियर। दामोदर लीला वाज नॉट डन हियर बिकॉज कृष्ण वॉज देयर एट द एज ऑफ 3 years। सो दामोदर लीला वाज देयर फल विक्रयणी फ्रूट सेलर देयर एंड अदर पूतना एंड अदर डेवल्स सप्तासुर एंड तृणावर देयर किल्ड देयर एंड आफ्टर दैट नंद बाबा उपानंद एंड ऑल डिसाइडेड दैट डाउट सो मेनी डेवल्स आर डूइंग सो मच प्रॉब्लम्स हियर एंड ऑल्सो देयर इज प्रॉब्लम ऑफ grasses, so decided that we should give up this place. And then they went to Chattikara. Chattikara means? Near Vrindavan. And Vishwan Maharaj went to Ram. We have passed through there. And from there they used to go to Radhakund here and then and Vrindavan Ras and everything. Not from here. After some time they returned here. Here when they reached here, जब वहां पर आए तो सबसे पहले गोपाष्टमी हुई। गोपाष्टमी फेस्टिवल केम एंड एट वेरी डे कृष्ण वाज वो मचलने लगा। कृष्ण मचलने लगे कि हम गैयों को चराएंगे। कृष्ण he was so eager that my father goes to comfort that I must go. But Nanda Baba was hearing and Yashoda was hearing. So told them, Krishna, that better you should be with cows. Very little cows. And they allowed him and began this Gopashtami. Gopashtami yahi se aarambh hui, bachadon ko charate the. और उसी समय में वहां पर प्रलंबा सुख का बंद किया और सब का बंद और उसका तीसरे वर्ष और वो बछड़ियां बड़ी बड़ी हो गई और बछड़े आफ्टर 2-3 years दी कॉक्स वेल टर्न इन टू काउज एंड वन बोल्स नाउ दे आर बिगर बट दे डोंट वांट टू गो विथ अदर्स। So Krishna was bound to raise cow. The cows were became cows. So they were not bound with others. दूसरों के साथ में नहीं जाना चाहती थी इसलिए कृष्ण ने बाध्य होकर के कैया चराना आरंभ किया। Then after 3 years Gopashtami again came and Krishna a festival was there. Today, tomorrow is festival. Again we will come here. And we will go the same place where Krishna used to go to cowherds. Kadambater we will go. Where that is called Kadambater. And Bhajanpuri of Rupa Goswami. Very important thing. हम लोग वहां पर जाएंगे और वहां पर गोचारण की लीला भी देखेंगे और रूप गोस्वामी से कृपा प्रार्थना करेंगे। That has to be visited tomorrow. And here, all the Brijvasi, they will observe Gopashtami. They will make all very good preparations of Malpua and so many things. And Krishna will go to all with Balram. They will, he will go all to each houses of people. And there he will take so much delicious things. और समवेयर ही विल गो एंड ही विल स्टे। वो चुराएगा मक्खन और मिश्री कहीं कुछ खाते हुए और गोपाष्टमी के लिए जाएगा। यही से उनकी बहुत से प्रकार की लीलाएं हुई हैं। हम लोग वृंदावन में जाकर वहां बरसाना में जाकर के बतलाएंगे। और देयर आर सो मेनी पास्ट टाइम यू नो दैट हियर अ क्रूर केम
and he took Baldev and Krishna from here. This is the place. Approved ji yahi Shri Krishna aur Baldev ke liye gaye. This is the same place where Uddhav came to pacify his gopi. Uddhav ji yahi par aaye gopiyon ko shantana dene ke liye. Yahi par gopiyan jahan hum log gaye abhi, where we went there Uddhav kyari aur Kadamba kyari. Kadamba kyari mein गोपियों को संतना देने के लिए कृष्ण ने भेजा, किंतु उसके लिए नहीं, प्रेम का पाठ मुझसे पढ़ने के लिए. कृष्ण ही डिडंट सेंड उद्धव टू पैसिफाई गोपी. ही यूज्ड टू नो दैट ही कैनॉट, ही नॉट क्वालिफाइड टू पैसिफाई गोपी. बाय ही सेड ओ ही शुड गो एंड देयर एंड ही शुड बी एडमिटेड इन द स्कूल ऑफ गोपीज सो दैट ही कैन लर्न समथिंग एंड देन आई कैन टॉक विद discuss about gopi. Otherwise they will not be gopi qualified. So Uddhav Kund mein hum log Uddhav Kyari mein gaye, jisko Kadamba Kyari kehte hain. Yahi par hua. Yahan par milan ka bhi sabse bada sthan, rashtrasthali ityadi aur bahut si kridayon hain. Aur udhar mein Vipralamba ka bhi sabse uncha bhav, jahan par abhi hum log gaye the. This place is highest class of meeting, like Prem Sarovar I told. And also we are highest class of separation, Uddhav Kyari. So both are here in Nandagaon. So Nandagaon sometimes, Srila Raghunath Das Goswami has told, it is more superior than even Giriraj Govardhan. Sometimes we have told. So sometimes Giriraj Govardhan is superior, and sometimes in some cases, Nandagaon is superior, both are superior. So hum log aise sthan mein aaye hain. ये नंद बाबा का घर कहाँ था? नंद बाबा का घर इधर से दक्षिण की तरफ, साउथ ऑफ दिस प्लेस इन समतल एरिया प्लेन देयर. एंड राधिका हाउस वॉज देयर. आई टोल्ड यू दिस वॉज नॉट ऑन द हिल बट ऑन दी ऑन द बेसमेंट ऑफ देयर. एंड फ्रॉम हियर व्हेन कृष्ण यूज टू गो अप on the chhat, on the roof. And Srimati used to go to her roof in Barsana. They used to talk from here. Why I is here? And Krishna, from here, he used to talk with a float from here to there. So, in the middle is Sanghe, where we have got. So this place is very, very, very important. Shankar ji came to take darshan of Mahadev. कृष्ण अब चलने फिरने दौड़ने लगे ना, तब यहाँ पर आ गए. वो चार वर्ष पांच वर्ष की उम्र में हो सकता है. उस समय में गोकुल छठी महाबल छठीकरा इत्यादि होते हुए फिर दो चार वर्षों में फिर यहाँ. तो जहां पर जो वो रहते थे अपने गोप गोपी और गायों के साथ में, वहीं पर उसका गोकुल होता था. वो महाबल का गोकुल है, कभी छठी करा का गोकुल, कभी नंद गोकुल, कभी कभी दीर्घपुर का नंद गोकुल. वो सब समय नंद गोकुल का है, जहां पर गोप गोपी गो इत्यादि बात करते उसको गोकुल कहा. इस तरह से फिर अंत में आए और फिर यहां से फिर हो सकता है कि फिर एक बार हम यहीं से शेरगढ़ और सब स्थान. शेरगढ़ मानी खेलनबन इत्यादि सब जाते थे. यहीं से चरण पहाड़ी जाते थे बंसी बजाते हुए और वहां पर पत्थर पिघल जाते थे. फ्रॉम हियर ही यूज टू गो टू खेलन बन फॉर अवे एंड फ्रॉम हियर ही यूज टू गो टू चरण पहाड़ी एंड वेर ही प्ले डाउन फ्लूट एंड ऑफ दी होल माउंटेन वाउस मेल्टिंग. सो मेनी फुट स्टेट केम ऑफ देयर. सो दिस प्लेस इज वेरी हाई क्लास ऑफ प्लेस. चरणपाड़ी यहाँ पर एक है, वहां दो है, वहां के बहुत से चरणपाड़ी. वेदर वेर माउंटेन्स कृष्ण यूज टू स्टे ऑन टू टाइम्स देयर ऑल दी फोर टाइम्स यूज टू कम एंड ऑल माउंटेन्स यूज टू मेल एंड जमुना वॉज जमुना बिकॉज लाइक स्टो. तो इस तरह से ये सब स्थान है. हम लोग इसके संबंध में पीछे चल करके बतलाएंगे.
अभी पंडा जी साहब का जो कहा चला गया ठीक है बेशक वो ऑफिशियल यहाँ का कीर्तन। अब हम लोग यहाँ से बस में जाएंगे बस में और बस में जाकर के वहाँ से सीधे बस आने में हम लोग चले गौरव प्रांत संभव है।